Assam MLA Krishnendu Paul has tested positive for COVID-19. Paul, who is the BJP's Patharkandi MLA, tested positive for COVID-19 yesterday. The MLA has been shifted to a COVID hospital for treatment. And what is also a matter of concern is that Paul has no travel history and was also engaged in party's Janasampark Abhiyan. So we were... Assam MLA Krishnendu Paul has tested positive for COVID-19. And Paul, who is the BJP's Patharkandi MLA, tested positive for COVID-19 yesterday. Meanwhile, the MLA has been shifted to a COVID hospital for treatment. And what is also a matter of concern is that Paul has no travel history and was also engaged in party's Janasampark Abhiyan. Big story at the SAR, Assam MLA Krishnendu Paul has tested positive for COVID-19. And Paul, who is the BJP's Patharkandi MLA, tested positive for COVID-19 yesterday. Meanwhile, the MLA has been shifted to a COVID hospital for treatment. And what is also a matter of concern is that Paul has no travel history and was also engaged in party's Janasampark Abhiyan. And right now, he is under treatment for COVID-19. ऑनरेबल एमएलए पतारकंडी कृष्णेंदु पाल जी का, उसमें क्या है, हम उनको स्वैब लिया था 18th को अंडर दी असम टारगेटेड सर्विलेंस प्रोग्राम ASTP जो है, इसमें निश्चयता प्रोग्राम जो है, उसके अंडर हम लोग बहुत लोगों का स्वैब लिया, उसमें उनको भी स्वैब लिया गया था और आज रिजल्ट आया है, उसमें हमें पता चला उनको पॉजिटिव आया है। नहीं, ये तो रिसेंटली वो उसका तो कहाँ जहाँ जहाँ मिला है, हमने सुना है पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया है, बट जहाँ जहाँ हुआ है उनका जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तो करेंगे एंड वी विल टेक वॉट एवर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। अभी तो कहाँ रखा गया है? अभी तो MLA को कहाँ रखा है? हमारे MLA साहब को हम सिविल हॉस्पिटल में रखा है। अभी तबीयत कैसा है? ठीक है, ही इज़ एसिम्प्टोमेटिक, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई पैनिक करने का भी जरूरत नहीं है। ऑलराइट, टू नो मोर ऑन दिस वी आर बीइंग जॉइंड ओवर फोन लाइन विद आवर कोरेस्पोंडेंट फ्रॉम करीमगंज अशीम देव। सो अशीम, बताइए हमें फिलहाल उनका कंडीशन कैसा है? हाँ प्रिया, पत्थरकंदी का जो MLA कृष्णेंदु पाल, वो असम का पहले MLA है जिनको ये कोविड पॉजिटिव मिला है। और ये एक बात थी कि असम का पहला कोरोना पेशेंट जो है था वो करीमगंज में ही पहले पेशेंट था, करीमगंज में पाया गया पहला कोरोना पेशेंट। और अभी जो MLA है, आसाम का पहला MLA जो भी है, वो भी पाया गया है करीमगंज का, पत्थरकंदी का MLA कृष्णेंदु पाल। और उनका जो तबीयत, जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि DCO ऑफिस की तरफ से, कि उनका तबीयत अभी ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक था उनका। आसाम टारगेटेड सर्विलियंस प्रोग्राम के अधीन उनका 18 तारीख को उनका कोविड टेस्ट हुआ, और कल जब उनका रिजल्ट आया तो उनमें तब देखा गया है कि उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। और जब रिजल्ट आया तब वो भी DC ऑफिस में, DC का चैम्बर पे था, और उनका बाद जब पता चला कि उनका पॉजिटिव आया है, उनके बाद वो खुद करीमगंज कोविड ट्रीटमेंट सेंटर में गया है। और कोविड ट्रीटमेंट सेंटर का चेयरमैन भी कृष्णेंदु पाल है, और वो तब से अभी भी वो कोविड ट्रीटमेंट सेंटर में है, और उनका तबीयत जो है अभी ठीक है, जहाँ तक मुझे जानकारी है ट्रीटमेंट शुरू हुआ है अभी, उनका फिलहाल तबीयत ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनका घर कंटेनमेंट किया गया है, और उनका जो सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर के तरफ से 30 आदमी को अभी कंटेनमेंट किया गया है, और आज सबका स्वाब लिया जाएगा। थोड़ा देर ही उनका स्वाब टेस्टिंग के लिए सब ये जो प्रोग्राम है सब प्रोग्राम किया जाएगा, सबका टेस्ट किया जाएगा। इस बात और एक बात है कि वो BJP के जनसंपर्क जो अभियान है, ये अभियान में भी आरंभ कुछ दिन पहले ही आरंभ शुरू हुआ था, और देखा गया है कि 16 तारीख को ये MLA ने जनसंपर्क अभियान किया है उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और बहुत सारे लोगों के घर में गया है ये जनसंपर्क अभियान। जिनको ये मिनिस्टर नवदुल आए थे करीमगंज में पंचायत एंड ग्रामोन्नयन डिपार्टमेंट का, और एक मीटिंग भी किया गया है DC ऑफिस में, और उनके बाद डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद में भी किया गया है, और उनमें MP MLA और बहुत सारे BJP का जो नेता है वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। कहा जाता है कि BJP के MLA के साथ बहुत आदमियों का जनसंपर्क गया होता है, और उनका कॉन्टेक्ट में है। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सबका
और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है कि कौन कौन के साथ एमएलए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कब हाली उन लोगों का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगला पदक्षेप किया जाएगा। जी हाँ असीम, और लगभग कितने लोगों के साथ उनका संपर्क हुआ था, कोई जानकारी है उसके बारे में आपके पास? हाँ, ये अभी फिलहाल ये कहा नहीं जाता है सकता है कि कितना आदमी के साथ उनका जनसंपर्क हुआ है या कितना आदमी का, क्योंकि वो पिछले 2-3 दिनों में वो डीसी ऑफिस में भी मीटिंग है, एक्सपोर्टर इम्पोर्टर एसोसिएशन का भी मीटिंग में था और उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी वो जनसंपर्क अभियान के लिए गए थे, बहुत सारे आदमियों के साथ उनका संपर्क हुआ है। तो ये कहा जाता है कि बहुत सारे आदमियों के साथ उनका संपर्क था, लेकिन अभी फिलहाल ये जो शंका कितना हुआ है अभी तक नहीं पता चला है, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये पता लगाया जा रहा है कि कितना फिलहाल कितना आदमियों के साथ उनका संपर्क हुआ है और कितना आदमियों को वो स्वाब टेस्ट के लिए लिया जाएगा। और असीम, जैसे कि आपने बताया कि 30 लोगों को फिलहाल होम क्वारंटीन में रखा गया है, तो उन लोगों का स्वैब सैंपल आज कब तक कलेक्ट करेंगे और हम लोग रिजल्ट्स कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं असीम? हाँ, ये देखिए ये जो स्वाब टेस्ट है, जहाँ तक जानकारी मिला है कि उनका परिवार का जो लोग है, परिवार में बहुत सारे लोग है और उनका लीजी जो ऑफिस है उनका घर में है और उनका सिक्योरिटी गार्ड ड्राइवर की तरफ से अभी तक जहाँ तक जानकारी मिली है कि 30 आदमियों को क्वारंटाइन किया गया है जिनके साथ उनका रोज आना जाना था, और बीजेपी ऑफिस जो डिस्ट्रिक्ट कार्यालय है वो भी उनका जो ऑफिस का जो भी ऑफिस बीआरआर और बीजेपी का जो मेंबर है उन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लेकर और भी बहुत सारे कार्यकर्ता है उनका भी आज 12:30 बजे स्वाब लिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, जहाँ तक जानकारी मिले है अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो कुछ ही देर में ये शुरू होगा और डीसी ऑफिस का भी आदमी को भी स्वाब लिया जाएगा।